बनाते रहना है, मोटे मोटे नहीं बनाने, छोटे 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 छोटे। टाइम हो गया इस तरीके से फूल भी गए, डाल देने की इजाजत है देखें जी। हम तो ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से थोड़ा सा एहतियात से कीजिएगा सब काम। मेरी फरमाइश पे कढ़ी पकाई मेरी मिसेज ने, कमाल कर दिया मेरे बहुत। धनिया थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर गार्निश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी, कमाल की रेसिपी, कड़ी की रेसिपी, अथेंटिक रेसिपी। पहले मैंने कमर्शियल लेवल पे कड़ी किस तरीके से तैयार होती है उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर की, लाखों में लोगों ने पसंद किया, लेकिन मुझे जो कड़ी पसंद आती है वो मेरी मिसेज बनाती हैं, कमाल की तैयार करती हैं, मुझे और मेरी फैमिली को उनके हाथ की बनी हुई कड़ी बहुत टेस्टफुल लगती है। मेरी फरमाइश पे आज वो आप लोगों को गाइड करेंगी कि घर में खवातीन टेस्टफुल कड़ी किस तरीके से बना सकते हैं। मेरे भाइयों तवज्जो से देखिएगा। जी राज जी बताएं आप कड़ी किस तरीके से टेस्टफुल बनाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा किलो बेसन में आप तकरीबन 20-25 लोगों के लिए मज़ेदार कड़ी तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं होती। हमने ये आधा किलो बेसन लिया है, इसमें से हमने एक पाव अलहदा कर लिया है। आधा किलो टोटल बेसन था, एक प्याली इसके साथ की भर के हमने इसमें ले ली जो 200 ग्राम वजन बनता है, ठीक हो गया। अब क्या डालेंगे इसमें? इसमें ये डालेंगे हम सुरख मिर्च, रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 2 2 1/2 टेबलस्पून, 2.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया। खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ ये कितना है? 1 2 3 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया। और क्या है जी इसमें? हल्दी, ये आपने टीस्पून लिया, टेबलस्पून हल्दी शामिल कर दी बेसन में, बहुत टेस्टफुल कड़ी बनेगी। ये हमारे पास जाग दो, इसका जाग दो, जूसर का, ये सब कुछ इस तरीके से डालें नाजरीन को नजर आए, ये सब कुछ इसमें डालना है जी। ये हमने सब कुछ मिक्स करके जूसर वाले जग में शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। ये शॉर्ट तरीका, हाथों से करने से ना बहुत सारा टाइम लग जाता है, फिर भी गुठली रह जाती है। अगर हैंड बीटर से इसे करना चाहते हैं तो कर लें, ये बहुत इजी तरीका है। आप इसमें पानी डालें और इसको अच्छी तरह ग्राइंड करें। ये हमारे पास 2 लीटर का जग था मेयरमेंट के लिए रखा हुआ, इसके अंदर हमने ये पानी शामिल कर दिया, इसी में से हम मजीद पानी शामिल करेंगे। ये इसमें डाल दिया, टोटल पानी बता देंगे जितना जाएगा। अब इसमें क्या करें? इसको अब इसको ग्राइंड करें अच्छी तरह, ग्राइंड कर लेते हैं इसको। लो जी आज से ऐसी और फाइन उपाय आ गए हैं जी, है ऐड है। ये ग्राइंड कर लिया, आप क्या करना है इसका? बाउल में इधर ले आओ, बाउल में डाल दो। ये बाउल में डाल दिया, बेसन को ग्राइंड कर लिया और इसे बॉल में डाल दिया। नमक नहीं डालना इसमें? नहीं नमक नहीं डालना, जब नमक डलेगा वो आपको फिर उस टाइम पे बताएंगे। ये हटा लें सरकार, ये हटा लें। अब हम इसमें 3 पाव दही, 3 पाव दही इस तरीके से डालनी है कैमरे में दिखा के, 3 पाव दही शामिल करते हैं इस तरीके से, पानी डाल के इसमें से थोड़ा सा पानी डाल के इसमें औरतों वाले काम हंगाल लें, दही भी ग्राइंड कर ले 3 पाव। आप क्या करना है? इसको इसमें डाल दें, इधर ले आओ सामने कैमरे के, इसमें शामिल करते हैं। और क्या कर रहे हैं आप इसमें? अब इस जितना हमें पानी चाहिए होगा हमने इसमें बनानी है, ठीक हो गया। उस हिसाब से आपको उतना पानी बता देंगे। ये 2 लीटर, ये 2 लीटर तो ये पूरा हो गया, हो गया। और इसके अलावा जितनी जरूरत पड़ेगी वो हम और आपको बता देंगे। बाबा ये 2 लीटर में ही आपने बेसन किया, 2 लीटर में ही दही की? हाँ जी 2 लीटर पानी अभी तक इस्तेमाल हुआ, 2 लीटर इस्तेमाल हुआ है। मैं इसमें बनाती हूँ, मुझे इसका पूरा अंदाजा है इतना पानी जाता है, ठीक हो गया। मैंने इसी में ही बनानी है, ठीक हो गया। अभी आपने 2 लीटर पानी यूज किया, बकाया पानी डलेगा तो मैं इसमें, बकाया पानी ये कहती है कि मैं जिस टाइम पे डालना होगा मैं आपके व्यूअर को बताऊंगी। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं जी। अब ये हमने इसके साथ की एक पतीली देगची रख ली ऊपर चढ़ा दी। अब ये ऑयल कितना है? एक प्याली चाय वाली कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। और क्या करें आप? इसको गर्म होने दें, गर्म होने के लिए छोड़ दें भाई मेरे।
ऑयल गर्म हो गया है, एक टीस्पून मेथी दाना, इसको अच्छी तरह आपने इसमें कड़कड़ा लेना है। ठीक हो गया, चम्मच से जी। ऑयल पहले से गर्म है, ये देखें, इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। वन टीस्पून मेथी दाना, ये मेथी दाना है वाला, मोटे वाला, बारीक वाला नहीं। अच्छा, अब क्या करना है आपने? अब हमने इसमें इसका फ्लेम कम करते हैं थोड़ा सा, और ये बैटर तैयार किया हुआ है ये हमने इसमें डालना है। मैं डाल दिया। अब इसमें ये पानी पीछे पड़ा है, ये हमारे पास एक मिनट, 2 लीटर पूरा कर लूंगा। ये नहीं जी, पानी और आ गया, 2 लीटर पहले डाला था, 2 लीटर ये है। इसमें से कितना डालती हैं ये मैं आपको बताऊंगा। बस करें, कितना डल गया? एक लीटर हो गया। और डालू जी? ये चला जाएगा, ये भी डाल दूं? डाल ले। हाँ जी, 4 लीटर, 4 लीटर पानी टोटल गया इसमें। और आप ये कहती हैं कि इसका मीडियम फ्लेम करके इसको हमने तब तक हिलाना है जब तक इसको बॉयल आना शुरू ना हो जाए। ठीक हो गया, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। इस तरीके से चम्मच चलाती रहेंगी, मेरी ड्यूटी कुछ कम हो जाएगी, किचन को ये संभाल लेंगे। आज कड़ी इनकी फरमाइश की जो पकड़ी है, फ्लेम मीडियम, ये इसको चम्मच इसलिए चलाते रहना इसमें कि इसमें गुठली ना बन जाए। चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो इसमें गुठली बन जाएगी, मजे की नहीं बनेगी। उसको चम्मच चलाते रहना। और नमक इसलिए नहीं डालते कि बॉयल आवा के कड़ी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जब ये पकना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले डालना शुरू कर देंगे। जबरदस्त, गुड। अब ये इसको बॉयल आ जाए फिर आपसे मिलते हैं। वक्फे से आपने इसमें चम्मच चलाते रहना जब तक ये पकना शुरू ना हो जाए। ठीक हो, उसके बाद आपने बाकी काम करनी है, जो उसमें और मसाले जाने हैं ना वो फिर बाद में डालेंगे। जबरदस्त, बताओ जी, आप बताओ। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसको बॉयल आ गया, मैंने 1 मिनट भी इधर उधर नहीं हुई, उसमें मुसलसल 10 मिनट मैंने चम्मच चलाया है, उसमें नमक वगैरह अभी भी नहीं डाला। ये लहसुन पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये लहसुन आप साबुत ही इसमें डाल देंगे। ठीक हो, कितना था ये लहसुन? 15 जब्बे लहसुन के इन्होंने साबुत डाल दी। हाँ जी, आपको और क्या करना है? ये अदरक है, ये सब्ज मिर्चे, और ये एक प्याज और एक आलू। हम इन सारी चीजों को अच्छी चॉप कर लेंगे, चॉप करके हम ये भी इसमें डाल देंगे। अच्छा, अब मैं इसमें बता दूं, ये तकरीबन 15 अदद सब्ज मिर्चे जो कड़वी कम होती हैं, ये अपने हिसाब से टेस्ट से भी आप डाल सकते हैं। 1 अदद प्याज दरमियाने साइज का, इसको इस तरीके से काट के इस बोल में डालने लगे हैं। ठीक है दादाजी जी। और साथ में हमारे पास ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, इसको भी हम इस तरह बारीक काट के इसमें डाल देंगे। इस तरह ठीक कर रहा हूँ मैं जी? अच्छा, साथ में हम इसमें डालेंगे 1 अदद ये छोटे साइज का आलू। ये आलू क्यों डालते हैं इसमें? मजेदार लगता है, टेस्ट बनता है। अभी सब चीजों को हम चॉप करने लगे हैं चॉपर में। ये सब कुछ चॉप कर लिया हमने, अब ये इसमें हम डालने लगे हैं कड़ी में। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इस तरीके से डाल दो सारा। ये डाल देंगे। फ्लेम को कितना रखना है नीचे? मीडियम टू लो, अभी तो बिल्कुल काम है। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और इसको पकने देंगे। ये कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा 1.5 घंटा, वो हम आपको बाद में डिस्कस कर लेंगे कि कितना टाइम लगा इसमें। इसको इस तरीके से धीरे धीरे पकते रहने देंगे। अब इसमें चम्मच ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है। कड़ी ने इतनी देर पकना है कि ये जो चीजें हमने डाली है ना चॉप करके, इन्होंने सब ने बीच में टेंडर हो जाना है। आपके पास चॉपर नहीं है तो आप छुरी से बारीक बारीक करके सारी चीजें डाल दें। लहसुन आप साबुत डाल दें, वो गल जाएगा। इसने तकरीबन 1.5 घंटा 2 पकने हैं अभी, इसने तकरीबन 2 घंटे इसको लग जाने हैं पकने में। हम अब पकौड़ों का सामान तैयार करेंगे, ये पकती रहेगी। अब आप इसमें इस टाइम पे आके हम नमक भी डाल देते हैं। नमक डालना है? नमक डाल दो, कटोरा बॉक्स। अच्छा बताना नमक, ये देखिए 1 टेबलस्पून ये फुल भर के नमक इस टाइम पे डालना है जी। अब ये पकने लग गई, अब ये इसका वो नहीं होगा, इसमें लम्स वगैरह नहीं बनेंगे। 1.5 टेबलस्पून नमक डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल लें, बाद में भी हम इसको चख सकते हैं। ठीक हो गया, अब इसको पकने दें। हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ये आराम से पकती रहेगी, हम अपने पकौड़ों की तैयारी करेंगे। कड़ी हमारी पक रही है आस्ते आस्ते मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हम पकौड़ों की तरफ आते हैं। पकौड़ों के लिए हमने यहाँ पे ले लिया बेसन जो कि 300 ग्राम है, इसमें शामिल कर देंगे हम बॉल में। और क्या शामिल करेंगे इसमें? प्याज, 1 पाव प्याज चॉप की हुई इस तरीके से बारीक शामिल कर देंगे। एक मिनट, आलू डाल लें। आलू आधा किलो आलू इस तरीके से चॉप किए हुए बारीक,
शामिल करते हैं, कोई मसला नहीं है। आधा किलो आलू डाल दिए चॉप किए हुए, 6 अदद सब्ज मिर्चें इस तरह कटी हुई शामिल कर दें, मसाले डालो, खुश्क धनिया 1-2 टेबलस्पून खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ, हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, अजवाइन 1/4 टीस्पून हाजमे के लिए अच्छी होती है शामिल कर दें, 1 टेबलस्पून नमक का शामिल कर दिया। अब इसके अंदर साबित गरम मसाला जाएगा, जिसके अंदर डालो, जिसके अंदर जीरा काली मिर्चें सब कुछ मिक्स है, ये 1 टेबलस्पून, ठीक हो गया, ये इसके अंदर शामिल कर दें साबित गरम मसाला, ठीक हो गया। ब्लैक मिर्च थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, ब्लैक मिर्च साबित ये भी होने चाहिए बीच में, शामिल कर दें। और क्या जाएगा? सब्ज धनिया, सब्ज धनिया शामिल कर दें, सब्ज धनिया जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा मजेदार पकौड़े बनेंगे। ये हम कड़ी के लिए भी चाहेंगे, ऊपर गार्निशिंग के लिए ये हमने सब्ज धनिया डाल इसमें दिया। दड़ा मिर्च डालेगी? हाँ जी, अब रह गई है रेड मिर्च, रह गई है दड़ा मिर्च, कितना डालनी है? 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च शामिल कर दें। और क्या जाएगा? बस ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे फिलहाल, अभी पानी नहीं, वेच दब देना। ये तमाम जो है ना बैटर इस तरीके से हमने पकौड़ों का तैयार कर लिया। इस टाइम पे आके ये हल्का सा 1 चुटकी जितना मीठा सोडा इसके ऊपर डाल रहे हैं, ताकि ये हमारे जो पकौड़े हैं ये नरम तैयार हों। हल्का सा छट्टा पानी के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हमारा जो है ना घी भी गर्म हो जाएगा पकौड़ों के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। दोबारा से हमने ये जो हमने बैटर तैयार किया था इसके अंदर हमने पानी नहीं डाला, प्याज ने आलू ने जो भी पानी छोड़ा उसी में ये इस तरीके से नरम हो चुके हैं, ये देखें। अब ये जो पानी जरूरत पेश आएगा साथ के साथ हम इसमें डालेंगे। चलें जी बनाएं। हल्का हल्का साथ पानी डालती रहोगी, बनाती रहोगी, ये ऐसे मुट्ठी में आ जाए, बस इतना रखना है आपकी मुट्ठी में से ये नीचे ना बैटर गिर रहा हो, ठीक हो, ऐसे आपने बनाते रहना है, मोटे मोटे नहीं बनाने, छोटे 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 छोटे, ठीक हो गया। ऐसे आपने यहाँ से जरा सा पानी लगाते रहना है और बनाते रहना है, ठीक हो गया। यानी जी पकौड़े डाल दिए, इसको तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे, फ्राई होते रहेंगे। डालो 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 जो जगह बची हुई है, टेंशन क्यों ले रही है, तेरा चैनल बनवा देना है हमने इस तरीके से। और साथ में कड़ी को पकते हुए कितना टाइम हो गया? कड़ी को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। ये देखिए, आपने जब देखा था इसको ये पानी यहाँ तक था, अब इसको पकते हुए पानी देखें कड़ी पक पक के कितनी रह गई है, हमने 2 घंटे इसको पकाया और देखें इसकी क्रिस्प में आ गई है, और मजीद आधा घंटा और लग जाना है हमारा पकौड़े तैयार करते हुए, तो ये इस पे ऑयल आना शुरू हो गया है हल्का हल्का, आधा घंटा और पकाएंगे, आधा घंटा तकरीबन और लग जाना है, हमने इसमें पकौड़े निकाल के इसमें डालते रहना है साथ के साथ। बाबा जी 7-8 मिनट लगेंगे इसको? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, जब हम कड़ी में डालेंगे हम बताएंगे देखने वालों को। और इसके लिए दही का खट्टा होना जरूरी नहीं है कि दही खट्टा ही होगा या लस्सी खट्टा होगा, तो फिर हमारी दही वो जो कड़ी है वो अच्छी बनेगी, ये पक पक के खट्टी हो जाती है, इसको जितनी ज्यादा पकेगी तो ये दही हमारी कड़ी खट्टी हो जाएगी। सारे शेफ इकट्ठे हो गए, मैं भी आ गया हूँ, तो 3 शेफ इकट्ठे हो गए। आज अम्मी के हाथ की कड़ी जो है वो सुभान अल्लाह। अब पकौड़े आपने डाल लेने हैं, ठीक है? ठीक है, मैं डाल लूंगा। हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ भी जो प्रोसेस भी हमने आपको दिखाया, तो कोशिश करेंगे कि कैमरामैन को मैं कहूँगा या एडिटिंग करने वालों को कि वो कोई क्लिप काटे नहीं, क्योंकि आप मेरी फैमिली के हिस्से हैं और फैमिली ही ये जो कड़ी पकौड़ा तैयार हो रहा है, ये इनको टाइम हो गया, इस तरीके से फूल भी गए। डाल दें जी, इजाज़त है जी, इसमें कड़ी में डाल देखें जी हम, तो ये देखें इस तरीके से कड़ी भी पक रही है और पकौड़े भी तैयार होते आ रहे हैं, डायरेक्ट हम कड़ी में डालते आ रहे हैं, गुड हो गया ये इस तरीके से, इस तरीके से पकौड़े में डाल दो सरकार। ये
रखें इस तरीके से छोटे छोटे इंज, ये इंज चस्के थे आ रहे ने हल्के हल्के, ये इंज इंज थोड़े से मेरे लिए रखना, आपके लिए भी रखेंगे, हम सांवों को भी देंगे। हाँ जी, ये इस तरीके से लीवर कैसे खाएंगे, वो खुद बना के खाएंगे, मेहनत करे ना इतनी पे मजा आएगा कड़ी खाने का जितने हमने की है आज। ये रहिए, सब तमाम पकोड़े मैं इस तरीके से बनाता रहूंगा, कड़ी में डालता रहूंगा, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये पकोड़े तैयार हो चुके हैं, ये भी हम इसमें डाल रहे हैं कड़ी में, कड़ी भी पक रही है, कड़ी को अभी तक हमने नीचे फ्लेम को बंद नहीं किया, ठीक हो गया। ये तमाम पकोड़े मैं बना के कड़ी में डाल लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। जिस घी में हमने पकोड़े तैयार किए, एक्स्ट्रा से घी निकाल लिया और तकरीबन ये 200 ग्राम घी हमने इसी में कढ़ाई में रहने दिया। इसके अंदर हम ये 8 से 10 अदद साबित सुरख मिर्चें शामिल करेंगे और साथ में शामिल करेंगे गरम मसाला जिसके अंदर तेज़पात, काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा, ठीक हो गया, शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। इसमें कितने मिनट करें इस तरीके से, बस थोड़ी सी देर, थोड़ी सी देर, 20 से 25 सेकंड, ठीक हो गया, क्योंकि आज पहले से बहुत गर्म है, ठीक हो गया। चलो बंद करो, बस डाल दो घी को, इसको बंद कर दें, जी बंद कर दें, और इसको उठा के हम इसके अंदर डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा एहतियात से कीजिएगा सब काम। ठीक हो गया, अब फ्लेम चलता रहे, बंद करना है, बंद कर दो फ्लेम को, बंद कर दें, ये इसमें कड़ी फेर के ना उसमें अच्छा, डाल दो। अच्छा, चले जी, ये काम भी औरतों वाले हम पूरा, देखिए ऊपर कितनी प्यारी लुक आ गई है उसके। हाँ जी, वो तो आ गई जबरदस्त किस्म की, हल्का सा ये कह रही है जी, इसके अंदर ये डाले हैं, इसको घुमा के फिर दोबारा डाल दें, ठीक हो गया, फ्लेम को बंद कर देते हैं, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं अब इसको। ये जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी तैयार हो चुकी है, 2.5 घंटे पकने के बाद डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह, बहुत टेस्टी, कमाल की खुशबू है, कमाल की मेरे भाइयों, इस तरीके से ये, इस तरीके से देखें हैं बनी लोग, फिर मेरी फरमाइश पे कड़ी पकाई मेरी मिसिज ने, कमाल कर दिया मेरे भाइयों। अगर आपको हमारी ये कड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो, ये देखें इस तरीके से डिश आउट भी किया हमने इसको, हल्का सा इस तरीके से ऐसे, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके सब्ज धनिया थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर गार्निश कर दें। ये रही धनिया हमने डाल दिया। अब ये कड़ी अगर आपको इस कंडीशन में आपने उतार लेनी है, ये पतली नहीं है क्योंकि थोड़ी सी ये ठंडी होगी फिर ये हार्ड होनी शुरू हो जाती है, सख्त होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको हमारी ये मज़ेदार सी कड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, शेयर कर दिया करें मेरे भाइयों। मुझे, मेरी मिसिज को, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।